किसी की भी बेटी को इतना दुख मत दो कि उसके दिल से हाय निकले, वो बद्दुआ दे। इतना देख करना, इतना फील हो रहा है, इतना सताना, इतना ज्यादा, जबकि hey guys, welcome back to my channel, सोनेरी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों से मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज सुबह सुबह का टाइम है, मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफी, आप देख सकते हो। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज एक स्पेशल डे और भी है, तो वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग देख के ना आप भी बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। तो बस ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, और स्कूटी की देखकर इतने लोगों ने विशेस दिए, थैंक यू सो मच दिल से, कि आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, क्योंकि आप लोगों को प्यार और सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इंच एक सपना अल्लाह ने पूरा कर दिया, आप लोगों के सपोर्ट से इंशाल्लाह एक बहुत जल्दी एक सपना और पूरा होएगा, जिस जो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही प्यारा ब्लॉग आने वाला है, तो ज़रूर देखना और बिल्कुल मिस मत करना। थोड़ी देर में मिलते हैं। हे गाइस, सो मैंने ना मशीन अपनी लगा ली है, देख सकते हो आप, यहाँ मशीन लग गई है, क्योंकि कहीं भी जाना हो, कोई भी काम हो, सबसे पहले मशीन लगती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, काम होता है घर में। और यहाँ पक रही है मेरी चाय, ये देखिए, देख सकते हो यहाँ हो रहा है जैद का और शुमारा का दूध गर्म, तो चाय पक रही है मेरी, क्योंकि बहुत देर हो गई चाय नहीं पी है, चाय जैसा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। और कपड़े थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि अभी मैंने धोए थे दो दिन पहले, तो कपड़े थोड़े से थे, तो बस लास्ट पड़े हैं, फिर उसके बाद चाय पियेंगे, घर का सारा काम ख़त्म करेंगे। सुबह मैं उठी थी, फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सो गई, क्योंकि छुट्टी थी और इनको जाना था, पर इनको ना क्या है, दो तीन दिन से नींद ही नहीं आ रही है, मतलब दो दिन से स्कूटी ली है खुशी के हमारे, तो ये सुबह उठ के जल्दी चले गए, इन्होंने बोला मेरा मन नहीं है कुछ खाने पीने का, मैं बाहर ही खा लूँगा। तो बस जल्दी काम करते हैं, फिर वो चीज़ स्टार्ट करते हैं जिस चीज़ के लिए ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। सो गाइस, मैं आपसे ना शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि कपड़े धोए, काम करा, खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़ी देर मैं और जैस सो गए थे, और अब मैं उठ गई हूँ, तैयारी हो गई है, मेरा बैग वगैरह पैक हो गया है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घर, और यही सरप्राइज था, हम लोग घर जा रहे हैं फैमिली को अपनी स्कूटी दिखाने, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। तो घर जा रहे हैं, बस अभी वो काम पे हैं, आसर की नमाज़ का टाइम होने वाला है, नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद हम जब भी निकल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, देखेंगे घर वालों को कैसा लगता है हमारी स्कूटी देखकर। तो चलते हैं घर, और घर में आपको दिखाऊंगी सबका रिएक्शन। बच्चे यहाँ तैयार हो गए हैं, शुमारा और जैद को देखो, जैद क्या कर रहा है, देखो ये देखो जैद की हरकतें देखो तुम, बस और कुछ मत करो, ये देखो दो दो चीज़ें इसको मुँह में डालनी है। जैद क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैद क्या कर रहे हो? इधर देखो, ये लगा रहे थे, ये लगा रहे थे तुम, ये लगा दूं तुम्हारे मुंह पे, लगा दूं हैं? तो जैद ये कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, बस चलते नमाज पढ़ते, घर के लिए निकलते, क्योंकि वहां पर ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए घर वालों का रिएक्शन। तो गाइस, हम निकल गए हैं रास्ते में, और यहाँ पर खाई जा रही कचौड़ी, मैं अपने खा चुकी हूँ और ये अपने खा रहे हैं। ये नंगल की कचौड़ी बहुत अच्छी होती है, ये इन्होंने मुझे बताया, मैंने भी खाई, अच्छी बनी है। और घर बस पहुंचने वाले, थोड़ी सी दूर है हम घर से, तो और जैद मेरी गोद में सो रहा है, मैं बैठी हुई, हम लोग हैं अपनी स्कूटी पे, मैं अपनी स्कूटी दिखा, अभी भी ये दिखाएंगे हमारी स्कूटी। सो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया है कि मैं बहुत खुशी खुशी घर गई थी, और मैं कैप्चर भी करने वाली थी कि क्या हुआ है घर, रिएक्शन कैसा होगा, बट घर जाने के बाद ऐसा हो गया कि मैं शूट ही नहीं कर पाई। मैं दो दिन रहकर आई हूँ, बट मैंने शूट नहीं करा, क्योंकि मेरी जो छोटी नंद है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही अचानक से ख़राब हो गई। मतलब हम शायद रास्ते में ही थे, तभी मम्मी का फ़ोन आया कि तुम लोग कहाँ पर हो, जल्दी आओ, ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई है। उन्हें ये नहीं पता था कि हम आने वाले हैं, क्योंकि हम उन्हें सरप्राइज़ देने वाले थे, बट हमें रास्ते में जब हम पहुंचने ही वाले थे तभी कॉल आया, और उसके बाद कुछ भी शूट नहीं हुआ, मैं घर आ गई, तो सबकी खुशी ऐसी ख़राब हो गई। खैर कोई बात नहीं, दुख सुख तो सबके साथ लगा रहता है, बट मैंने इस व्लॉग की मुझे एंडिंग नहीं लेनी थी, क्योंकि ये जो है व्लॉग पूरा कंटिन्यू बन ही नहीं पाया,
बट मैंने अभी कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिसकी वजह से मैंने सोचा नहीं, व्लॉग भी आधा मेरा हो जाएगा और मेरे को कुछ बातें भी आपके साथ करनी है जो मैं कर लूंगी। सो गाइस, मैं ना एक आजकल एक व्लॉग देख रही हूँ सपना जी का, जो सपना दी है जिनके हस्बैंड नहीं है, शायद आप लोग जानते हो गए, स्नैपी गर्ल से उनका यूट्यूब चैनल है। तो मैंने उनको देखा है और सच में मैंने जब से उनको देखा है ना, मुझे इतना ज़्यादा फील होता है कि मुझे इतना देख कर ना इतना फील हो रहा है कि वो अपने दो बच्चों को लेके किस तरीके से भटक रही हैं, घर ढूंढ रही हैं, और जबकि उनके सास ससुर का अपना घर है, उनका खुद का, अगर वो लीगली चाहें तो भी वो उनको वो घर मिल सकता है क्योंकि उनका हिस्सा है वहाँ पर, उनका हक बनता है क्योंकि वो उनके बेटे की वाइफ है, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। मतलब किसी की बेटी को इतना सताना इतना ज़्यादा, जबकि वो खुद अपने आप से इतना ज़्यादा तकलीफ में है, ऊपर वाले ने इतना कुछ उनके साथ कर दिया है, उनकी दो दो बेटियाँ हैं, मतलब कुछ तो सोचो यार, कुछ तो सोचो कि उनकी जो बेटियाँ हैं वो तुम्हारी भी कुछ लगती है। चलो बहू, बहू तो कहते हैं कि बहू ससुराल वालों की नज़र में कुछ नहीं है, उसके वो कुछ नहीं मायने रखती है अपने बेटे के आगे, अपने बच्चों के आगे, पर वो तो तुम्हारा खून है, उसके बारे में तो सोच लेते हैं। मतलब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है पर कुछ लोग इतने पीछे आज भी हैं कि आज भी वो अपने बच्चों में और बहू में इतना भेदभाव करते हैं, इतना भेदभाव करते हैं। तुम उस घर का क्या करोगे जब कल को तुम्हें, तुम इस एज में हो कि तुम्हें कल को कुछ हो गया, कौन कौन राज करेगा उस घर में? मतलब कुछ तो सोचो कि वो बिचारी किस तरीके से अपने बच्चों को लेके घूम रही है। मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ है और मैं दिल से सपना दी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और प्लीज़ आप कभी भी मेरी वीडियो देखोगे, आप प्लीज़ ज़रूर, मैं आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करूँगा, आप मुझे रिप्लाई ज़रूर करना क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं वो हूँ कि आप इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप ये सब चीज़ें झेल रहे हो और इतने फिर भी अपने फेस पे इतनी स्माइल है। और अंशु बहुत प्यारी है और वो कहीं भी रहे पर वो सपना दी को हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेगी, मुझे पता है। और पर उनके साथ बहुत गलत हो रहा है और लोग उन्हें गलत भी बोल रहे हैं, कई लोग ऐसे भी जो उनके नाम पे वीडियो बना रहे हैं सपना ऐसी सब। अगर वो ऐसी होती तो इतना झेल नहीं रही होती, अगर वो ऐसी होती तो शायद वो लीगल एक्शन ले चुकी होती अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट। तो वो बहुत अच्छी हैं इसलिए वो सब कुछ लेके चल रही हैं, झेल रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं और चुपचाप हैं फिर भी कुछ नहीं बोल रही हैं। तो इस तरीके से किसी के नाम को ख़राब मत करो, रिस्पेक्ट करो उस इंसान की जो अपनी लाइफ में इतना कुछ झेल के बैठा है। हम जैसे तो झेल ही नहीं सकते दुख, इतना से तकलीफ भी नहीं झेल सकते और वो इतना कुछ लेके बैठी हैं। और मैं उनके सास ससुर को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत करो किसी की बेटी को। कोई माँ बाप अपनी बेटी को सर का ताज बना के रखते हो और ससुराल वाले उसकी बेटी को पैर की जूती बना देते हो, ऐसा मत करो। क्योंकि माँ बाप अपनी बेटी को बहुत फूलों की तरह पालते हैं, बड़ा करते हैं और ससुराल वाले उसको पैर की जूती बना देते हैं, कितनी गलत चीज़ है। क्योंकि वो लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे आगे भी औलाद है, हमारी भी बेटियां हैं। पर जिनके नहीं होती उन्हें भी एहसास, खैर जिनके होती उन्हें भी एहसास नहीं होता, लेकिन ऐसा मत करो। किसी की भी बेटी को इतना दुख मत दो कि उसके दिल से हाय निकले, वो बद्दुआ दे तुम्हें और तुम अपनी ज़िंदगी से इतने दुखी हो जाओ। क्योंकि ऊपर वाला कहता है कि अगर दुखे हुए दिल से कोई किसी को बद्दुआ देता है ना तो वो बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। तो बेचारी झेल रही है तो उस चीज़ का फ़ायदा मत उठाओ, उसके साथ गलत मत करो इतना ज़्यादा। और सपना दी हमेशा, बहुत लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, अल्लाह पाक मैं हमेशा दुआ करूँगी अल्लाह ताला आपको इतनी कामयाबी दे कि जो लोग आज आपके साथ ऐसा कर रहे हैं वो कल को खुद पछताएं कि हमने क्या खोया है। तो बस हमारी दुआ है आपके साथ है, आप इतनी स्ट्रांग रहना हमेशा और हमेशा खुश रहना। और इंशाल्लाह कभी भी मौका मिला तो मैं ज़रूर आपसे मिलूंगी क्योंकि आप मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, लव यू सो मच। और अंशु के लिए भी, तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी और प्लीज़ सपना दी को सपोर्ट करो क्योंकि उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपनों से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला, बट हम लोग चाहे, हम भी उनकी फैमिली हैं, हम लोग चाहे, मैं भी उनकी सब्सक्राइबर ही हूँ, तो हम लोग चाहे तो उन्हें बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करो और उन्हें उन्हें दुआ दो, इतनी दुआ दो कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करें। आज उन्होंने रेंट का घर लिया है, कल वो अपना घर भी खरीदें और इंशाल्लाह ऐसा बहुत जल्दी होगा। सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, बाय, अल्लाह हाफिज़।